जो बाइबल स्टडी हमने इतना दिन चला, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस बाइबल स्टडी के लिए। और जो चीज मुझे सीखने मिला, जो गैलेशियस चैप्टर 1 से, यहाँ पर पॉलुस बता रहा है 1 में 4 में, अगर आपका बाइबल है तो आप पढ़ के देख सकते हैं। उसमें लिखा है, कि उसने अपने पापों को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता के इच्छे के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार के छुड़ाए। तो यहाँ पर उसने जब शुरुआत किया तो पॉलुस वही बता रहे कि जो हम गॉस्पल सुन रहे हैं, वो एक तो हमको परमेश्वर पापों से हमको छुड़ा गया। यहाँ पर लिखा वर्तमान पापों से, वर्तमान और बुरे संसार से। वर्तमान बोलो तो एक अभी जो चल रहा है आज का दिन में बोल सकते हैं, तो ये वर्तमान। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ऐसा नहीं बोले कि पूरा पहले के पापों को तुमने 10 साल पाप किया, बट एवरी डे पुराने पाप को तो माफ किया ही है, नो डाउट, बट हमको जो दिन प्रतिदिन हम जी रहे उसको भी परमेश्वर हमको उससे आजाद करना चाहता है, उससे भी हमको परमेश्वर विजय दिलाना चाहता है। और ये कैसे होएगा? विश्वास के द्वारा, सिर्फ विश्वास के द्वारा। ये एक्चुअली हम ये सब सुनने के बाद बहुत कठिन लगता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ हम करके दिखाए परमेश्वर को, या चर्च में बोलो या अलग अलग स्थिति में। हमारे एक एक हमारा अंदर फ्लैश के अंदर एक टेंडेंसी है, कुछ करेगा तो हमको लगता है अरे मैंने कुछ किया है, बट लेकिन ये उद्धार जो है सिर्फ विश्वास के द्वारा है। और दूसरा आगे पॉलुस वही बता रहा है कि मुझे आश्चर्य होता है, मुझे बहुत अमेज लगता है कि तुम इतना जल्दी कैसे भटक गए। क्या लिखा है उसमें? लिखा है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, तुम इतना जल्दी फिर गए और ही प्रकार का सुसमाचार के झुकने लगे, मतलब और ही प्रकार का सुसमाचार के बारे में तुम फॉलो करने लगे। तो यहाँ पर देखते कि पॉलुस उनको वार्न कर रहा था। तो मैं यही सीख रहा हूँ कि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल लगता है कि प्रभु मैं विश्वास से चलने के लिए मुझे मदद करो, ना कि मैं बहुत सारा, वो आगे बता रहे हैं कि बहुत सारा रीति रिवाज हम बहुत सारा काम करते हैं, उसके द्वारा हम खुश हो जाते हैं, बट लेकिन सिंपल हम परमेश्वर पे विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। और उतना ही नहीं, बल्कि हमको दिन प्रतिदिन हम विश्वास से हमको जीना चाहिए हम हर चीज। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि ये गॉस्पल मुझे दिया गया, हम सभी को सुनने के लिए दिया। और दूसरा चीज पॉलुस एक चीज और बता रहे हैं, ये रेवलेशन है, ये प्रकटीकरण है, किसी इंसान ने उसको नहीं बताया, किसी ने उसको बाइबल स्टडी या बाइबल जो कॉलेज होता है उधर जाके सीखा नहीं, बट परमेश्वर ने उसको खुद रिवील किया, एक रेवलेशन है। तो अगर हम मैं भी बोल सकता हूँ कि अरे परमेश्वर, मतलब मैं मुंह से बोल सकती हूँ कि मैंने विश्वास विश्वास के द्वारा है, बट इसका परिणाम, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ मुझे ऐसा लगता है कि प्रूफ ये है कि परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे आजू बाजू विश्वासी के जीवन में नहीं, मेरे जीवन में मुझे पाप से आजादी दिला रहे, पाप से विजय दिला रहे। मेरा जीवन बोझ भरा नहीं है, मेरा जीवन विश्वास से चल रहा है। हाँ, मुसीबत है, बहुत सारा तकलीफ है, बट मैं विश्वास के साथ प्रभु पे भरोसा करते हुए जी रहा हूँ वो आनंद में। तो ये जैसे कि हमने पहला जो मत्ती 1 में लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो पहला यही चीज है कि वो लोगों को, वो अपने लोगों को पापों से बचाने के लिए आया। ये गॉस्पल है, जो ट्रू गॉस्पल है, जो हमको पाप से। और एक छोटा सी चीज बोलकर मैं बता खत्म करना चाहता हूँ, समय की कमी होने से। मैं देखता हूँ कि जब शैतान परमेश्वर के सामने आए अय्यूब के बारे में बोलने के लिए कि परमेश्वर तूने तो इतना सारा ब्लेस किया है, इसीलिए अय्यूब आपको स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रेज लॉर्ड कर रहे हैं, बहुत सारा चीज कर रहे हैं, बट लेकिन एक बार जरा तो उससे ये सब ब्लेसिंग हटा दे, उसको जरा तकलीफ दे, तब पता चलेगा। तो देखते कि अय्यूब को उसका फैमिली एक, मतलब कुछ क्षण में उसका फैमिली, उसका प्रॉपर्टी, उसका सब कुछ चला गया, बट उसका स्टेटमेंट ये था जो 1 में लिखा है कि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है। तो हम देखते कि उसका जीवन
एक यू नो परमेश्वर का सच्चा आराधक हम देख सकते हैं। तो ये हमारा मटेरियल चीज देख देने के परमेश्वर जब हमसे लेता है तो क्या हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद करते या हम कुड़कुड़ाते, अरे परमेश्वर ये है वो है कंप्लेंट करते। तो इससे मालूम पड़ता है कि हम सही गॉस्पल हमको मिला है कि नहीं, रेवलेशन मिला है कि नहीं। या प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। जो मुझे समझ आया वो ये है कि पॉल 11 में देखते हैं 1-11, उसमें वो अपने बारे में बता रहा है कि वो किस तरह से मसीह लोगों को सताता था और बहुत परेशान करता था, लेकिन वो आगे भी कहता है कि वो परमेश्वर ने उसको पहले से ही चुन लिया, उसके माँ के गर्भ से ही उसे चुना गया है। तो उसको वो तो पहले तो बहुत ही मतलब खराब इंसान था, यानी कि बहुत सताता था लोगों को उस चीज के अंदर, लेकिन वो ये कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे माँ के गर्भ से ही चुन के रखा था। तो 16 में लिखा है कि अपने पुत्र को प्रकट किया। पहले तो पौल के अंदर परमेश्वर ने पुत्र को प्रकट किया, फिर बाद में सेकंड में 20 में लिखा है मसीह मुझ में जीवित है। तो मसीह को उसमें जीवित किया, पहला तो पुत्र को प्रकट किया, फिर सेकंड में उन्होंने कहा कि मसीह मुझ में जीवित है, और फिर फोर्थ का 19 में लिखा है कि मसीह का रूप, जब परमेश्वर ने उसको चुना, पहले तो उसको प्रकट किया परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना रूप प्रकट किया, फिर उसके बाद में उसको जीवित किया, जो उसका आत्मा मरा हुआ था उसने जीवित किया, और थर्ड उसने अपना मसीह का रूप प्रकट किया। तो जब उसने वो पूरी तरह से वो तैयार हुआ तो परमेश्वर के लिए वो अपना कार्य को करने लगा। तो जब वो कार्य करता था परमेश्वर में आगे बढ़ता था, लेकिन उसको आगे भी सताव बहुत होते थे, लोग जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसको सताने भी लगे थे, उसको दबाना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो गिर गया, फिर उठ के वापस खड़ा हो गया। तो इसमें सेकेंड में 6 में लिखा है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो आज कितना भी मतलब पौलुस इतना ये था, फिर भी परमेश्वर ने उसको चुना। तो आज हम भी कितना भी गलती करे, फिर भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर ने कभी भी किसी को पापियों पे बारिश नहीं किया, धर्मी लोग पे बारिश किए, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने धर्मी और पापी पे दोनों पर भी बारिश ही किया है। तो परमेश्वर अपना प्रेम को किस तरह से प्रकट किया, तो आज मुझे ये इस वचन से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि इस कार्य के लिए। मैं भी वचन पढ़ रहा था, मेरे को भी एक वचन लगा। 3:13-14 बोल। मराठी मध्ये वाचित आहे। ख्रिस्ताने आमच्या ठिकाणी शापात्र होऊन नियमशास्त्रातील शापापासून खडणी देऊन आम्हास सोडवले, कारण जो कोणी झाडावर टांगलेला आहे तो शापित आहे असे लिहिले आहे, यासाठी की अब्राहमाचा आशीर्वाद ख्रिस्त येशू मध्ये राष्ट्राच्या लोकांना मिलावा, असा की आम्हाला विश्वासाच्या द्वारे आत्म्याच्या विषयी वचन मिलावे। मैं धन्यवाद देता इस वचन के लिए कि प्रभु ने हमें सच में शाप से छुड़ाया, सब पापों से हमें मुक्त किया, ऐसा लगता है। धन्यवाद देता है इस वचन के लिए कि हम लोग कितने गंदगी में थे और प्रभु ने हमें निकाला है उसमें से, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता है। धन्यवाद के साथ मैं ये भी याद करते रहता है कि प्रभु ने करो निकाला है तो उसमें सही से चलना मांगता है, बात नहीं करने का, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु को। गॉड का धन्यवाद जो बाइबल स्टडी हमारे लिए रखा था। गैलेशियंस 1 में जब मैं तीनों चैप्टर पढ़ रही थी तो मेरे को 1 में देखा मैंने कि जैसे पॉल सॉल था, जो पहले कितना परसिक्यूट किया गया था, उसे कितना सताया गया था, वो कितना सताता था लोगों को, वो कितना गंदगी में था, लेकिन फिर भी गॉड ने उसे बाहर निकाला
उसे चुना और उसे स्पिरिट अपना रिवील किया अपना बेटा उसमें, ताकि वो आगे चल चले मसीह में। फिर सेकेंड में वो सिक्स में ऐसा बता रहा, सिक्स में लिखा है फोर में लिखा है, 2:4 में, बट इट वॉज बिकॉज ऑफ द फॉल्स ब्रदर एंड सीक्रेटली ब्रॉट हिम who had sneaked in to spy out our liberty which we have in Christ Jesus in order to bring us into bondage. इसमें लिखा गया है कि जब पॉल चल रहा था अपने क्रिश्चियन लाइफ में, तो लोग कैसे आ रहे थे उसे, उसके उसका लाइफ को ब्लॉक कर रहे थे, उसे बॉन्डेज में खींच रहे थे। तो हमारे लाइफ में जब हम सब पीछे छोड़कर हम एक्सेप्ट करते कि हम सिनर है और हम अपने क्रिश्चियन लाइफ में आगे बढ़ते, तो हमारे अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जो हमें हमारे क्रिश्चियन वॉक में हमें रोकेंगे, हमें ये करेंगे। लेकिन पॉल ने कैसे कभी हार नहीं माना, वैसे हमें हार नहीं मानना है। और 3:1-6 में लिखा गया है कि फुलिश गैलेशियंस हु हैज बीविश्ड यू बिफोर हुज आईज जीसस क्राइस्ट वर पब्लिकली पोर्ट्रेड एज क्रूसीफाइड। तो उसमें हमें रियलाइज करवा रहा है पॉल कि देखो हम कितने गलत है, हमारे क्रिश्चियन लाइफ से कैसे भटक गए हैं। तो ये जो 3 चैप्टर ये इंटरकनेक्टेड है जो एक दूसरे में, वो मुझे सबसे ज्यादा ब्लेस हुआ। ओके हाँ, मैं गलातियंस उसका 2:12 से पढ़ना चाहूंगी कि इसलिए कि याकूब की ओर से कितने लोगों के आने से पहले ही वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए लोगों के डर के मारे उनसे हट गया और किनारा करने लगा, और उसके साथ शीश यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा, यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने केफा से कहा कि जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों की नाई चलता है और यहूदियों की नाई नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदी की नाई चलने को क्यों कहता है। मुझे इसमें हमारा जब शेयरिंग हुआ था, तब ब्रदर शेयरिंग कर रहे थे, बता रहे थे कि पौलुस ने सबके सामने केफा पत्रस को ये चीज, सॉरी केफा को बोला, इंसल्ट किया, मतलब सबके सामने बोला वो चीज ना, तो बट वहां पर कहीं पर भी ये लिखा नहीं है कि उसने कुछ आर्ग्यूमेंट्स किया या अपने आप के लिए क्लैरिफिकेशन दिया या कुछ बोला। तो तभी मुझे वो चीज याद आ रही थी कि वो बता रहे थे कि हमको भी हमेशा अपना हार्ट, अपना माइंड हमेशा इतना हम्बल रखना चाहिए कि कोई हमको कुछ करेक्शन देता है सबके सामने या कुछ भी, तो हमको उसको पॉजिटिवली और एक नम्रता के साथ उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और वो चीज हमको लॉर्ड के पास लेके जाना चाहिए कि लॉर्ड क्या वो भाई या वो बहन ने मुझे बोला है वो सही बोला है या गलत बोला है। अगर सही बोला है तो हमको उसको एक्सेप्ट कर लॉर्ड को बोलना चाहिए कि उस चीज को मुझे बाहर निकालो, और अगर गलत बोला है तो उसको इग्नोर कर दो। और एक चीज मुझे अच्छा लगा इसके आगे कि वचन में लिखा है कि मसीह यीशु पर लिखा हुआ है कि 16 में लिखा है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम सब व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। तो मुझे ये चीज, ये एक छोटा सा वचन है बट इसका जो मीनिंग है बहुत बड़ा निकलता है कि हम कभी कभी सोचते हैं कि हम ये काम करेंगे या अच्छा कुछ काम करेंगे या चर्च में कुछ एक्टिविटीज करेंगे, संडे स्कूल होने दो या प्रचार होने दो या गाना सिंगिंग वॉट एवर एक्टिविटी वी आर डूइंग इन द चर्च, तो हमको लगता है कि हम लोग ये सब काम करने से हम लॉर्ड के अंदर धर्मी ठहर रहे या अच्छे बन रहे, क्रिश्चियन बन रहे लाइक। बट लॉर्ड कहते हैं, परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहरे हैं। आई थिंक आइजाया में ये चीज लिखा हुआ है कि तुम्हारे अच्छे से अच्छे काम भी, एकदम बेस्ट काम भी तुमने किए हैं ना, वो एक मेले चिथड़ों के समान है, फिल्थी क्लोथ्स की तरह है। मतलब हमारे कोई भी अच्छे काम परमेश्वर को प्लीज नहीं कर सकता, मतलब वो एक अच्छे हमको एक राइचियसनेस नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम धर्मी ठहर सकते हैं। और ये चीज बोलना बहुत इजी है बट प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग भी इस चीज के लिए प्रे करो। प्रेज गॉड। मैं प्रभु की धन्यवाद करते हैं कि मुझे गलती क्या जो उसका 2:20 में
दो का 20 में जो वचन है मुझे बहुत प्रभु उत्साहित किया है इस तरफ से हमें लेने के लिए हमारे जीवन में। यहाँ पर पौलुस को कहते हैं कि मैं मसीह के साथ उस पर चढ़ गया है गया हूँ और अभी मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं इस शरीर में आप भी जो जीवित हो केवल विश्वास में जीवित हो और जो परमेश्वर का पुत्र पर है जिसने मुझे प्रेम किया है और वो मेरे लिए अपने आप को दे चुका है। तो हमें ये पवित्र आत्मा हमें ये बताना हमारे जीवन में ऐसा हम लेना चाहते हैं कि जब एक पौलुस कैसे कहा कि मैं यीशु मसीह जिस प्रकार क्रूस में चढ़ गया मैं भी उसके साथ में चढ़ा, मतलब हम क्रूस में, मतलब हम क्या क्रूस में क्या चढ़ाया, मतलब यहाँ पर हम कि हम देखना है कि हम उसमें हमारे संपूर्ण हमारा जो सारी ट्रिक जो हमारा जो कुछ जो हमारा शरीर को हम क्या क्रूस पर चढ़ाया, क्या हम जान सके कि पौलुस क्यों कहा वहां पर कि हम इस मैं तो मरा व्यक्ति हूँ मेरे अंदर एक जीवित व्यक्ति है, तो हम कैसे जानेंगे कि हम हमारे अंदर वो यीशु मसीह जीवित है और हम मरा है क्यों वो हम कैसे जानेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मरा व्यक्ति को हम उस जगह में हमारे जीवन में हम लेते हैं कि जब वो मर जाते हैं अगर कोई उसके बारे में कुछ बोलेगा तो उनके दिलों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर उसको कोई गाली दे तो वो गाली नहीं देता है, अगर कोई उसके बारे में तारीफ भी करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें ऐसे इस वचन को हमें लगता है कि हाँ अगर कोई व्यक्ति हमारे दिल में चोट पहुंचाए तो हम सोचना है हम उस प्रकार हम साथ यीशु के साथ उसमें हम मरा व्यक्ति है क्योंकि एक मरा व्यक्ति हम किसी को उसको उल्टा जवाब नहीं दे सकते हैं वरन उसके लिए हम उसके प्रार्थना कर सकते हैं। तो हमें ये जो वचन हमें जो मिला हमें बहुत पसंद किया है कि हमारे जीवन में एक सबसे हमें दिन प्रतिदिन किए हम यीशु मसीह के मरा है कि नहीं, अगर हम मरा नहीं है तो हम जानेंगे कि नहीं मैं ये वचन हम बोलते तो है लेकिन हमारे जीवन में वो मतलब जीवन में हो रहे कि नहीं हो रहे हम देख सकते हैं। अगर हम मरा नहीं है तो हमें देखा सकते हैं कि जब हम उल्टा जवाब दे रहे लोगों से झगड़ा कर रहे हम वही स्वभाव हमारे जीवन में दिखाई दे रहे तो हम जानेंगे हम मरा नहीं है। हाँ हम बोलते हैं यीशु के क्रूस में चढ़ गया हमारे अंदर मसीह जीवित है, ये मेरे को झूठा लगता है। अगर मसीह जीवित है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो हमेशा सच्चाई से बोलेंगे और यीशु मसीह के स्वभाव उनके अंदर दिखाई देंगे, उस व्यक्ति के अंदर वो प्रेम वो शांति ये सब फल हम देखेंगे। तो हमें इस विशेष इसके लिए मैं प्रभु की धन्यवाद करता हूँ। मुझे गैलेशियंस में ये जो वचन है तीसरा अध्याय 12 वचन जो है हमेशा मुझे बहुत उत्साहित करता है और जब भी मैं गिर जाती हूँ तो मुझे उठने में बड़ी आशा मेरे अंदर लाने में मुझे बहुत हेल्प करता है, तुरंत मुझे याद दिलाता है धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। तो मैं मुझे हमेशा ये याद दिलाता है मैं धर्मी नहीं है, मेरी धार्मिकता सिर्फ यीशु है। तो उसको क्रूस के ऊपर जब मरना पड़ा, मतलब मुझे उसका आगे का भी जैसा कि लारा ने पढ़ा था वो वचन, उसको वो क्रूस के ऊपर ये किया था श्रापित है वो, तो मुझे याद आता है सच में वो मेरे लिए हर एक श्राप को ले लिया है और कोई मेरी धार्मिकता कोई मेरी भलाई कोई ऐसा कोई अच्छाई नहीं है। तो मुझे ये याद आता है हमेशा सिर्फ यीशु है, सिर्फ यीशु, मैं कितना तक भी गिर जाऊं तो एक आशा है मैं यीशु को धार्मिक यीशु मेरा श्राप को लेके
उस क्रूस पे गया है और मुझे सारे धर्मशास्त्र का जो भी श्राप है मुझे मिलना था, वो यीशु ने अपने ऊपर लेकर मुझे आजाद किया। तो ये वचन से मुझे उत्साहित। अच्छा, मेरे को गीता के थर्ड तीसरा चैप्टर में लिखा है, तीसरा स्टार्टिंग ही, हे निर्बुद्धियों गलतिया के किसने तुम्हें मोह लिया, तुम्हारा तुम तो पहले आंखों के सामने, तुम्हारे आंखों के सामने यीशु मसीह क्रॉस पर दिखाया गया। मैंने तुम्हें तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि मसीह क्रॉस पर दिखाई गया, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा के क्या व्यवस्था के कामों के या विश्वास के समाचार से पाया है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे लाइफ में मैं हमेशा सोचती थी शायद बहुत सारे चीजें करो, विश्वास की कमी थी, पर यह था कि शायद चीजें ऐसे कुछ हेल्प करना है या बहुत सारे कार्य करना वो प्रभु को शायद होगा, पर वो रॉन्ग था क्योंकि विश्वास बहुत जरूरी है। अगर हम कुछ करते हैं हमको सोचना चाहिए क्या प्रभु ये सही है क्या नहीं, आप बताइए। जैसे मैं देखती हूँ यीशु मसीह कभी भी अपने पिता का इस इच्छा पे चलते थे, खुद की इच्छा पे नहीं। और मसीह ने बोला भी, जैसे मेरा पिता बोलता मैं करता हूँ, विश्वास करता हूँ। तो मुझे बहुत टच हुआ कि मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं विश्वास हर चीज में रखूं और कुछ भी हो मैं अपने इस पे नहीं रखूं कि मैं जो काम कर रही हूँ अच्छे लोग देख रहे हैं उस पे, ऐसा मैं ले रही हूँ। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने वचन से मेरे से बात की। प्रेज़ द लॉर्ड। सो गलाती का किताब का मुख्य उद्देश्य यह है कि परमेश्वर हमें धर्मशास्त्र की कार्यों से छुटकारा देना, मुख्य उद्देश्य यही है। पहले अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस की एक 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 अच्छी गवाही यह है कि 1:10 में लिखा है कि अगर मैं मनुष्यों को पसंद करना चाहूं तो मैं परमेश्वर का दास नहीं हूं। ये वचन मुझे बहुत चुनौती दिया। मुझे कई बार हम या जो दूरी लोग जो हम जानते नहीं उनको हम लोग बहुत कड़क रीति से सुसमाचार बांट सकते हैं, लेकिन कई बार हमारी घर की लोगों को हम बोलना मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि हमारे खुद की लोगों को बोलेंगे तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा परिवार का एक हिस्सा ऐसा क्यों हो गया, ये भाई ऐसा क्यों बात कर रहा है। लेकिन पौलुस की एक वचन 1:10 पहले अध्याय 10वां वचन में लिखा है कि अगर मैं मनुष्यों को खुश करना चाहूं, पसंद करना चाहूं, मैं प्रभु का दास नहीं हूं। ये बहुत चुनौती वाला वचन है कि वो इसलिए क्यों कह रहा है कि इसलिए कह रहा है कि जो कोई धर्मशास्त्र के नीचे है, जो कोई धर्मशास्त्र के नीचे जीना चाहता है वो ऐसा लोग है जो मनुष्यों को पसंद करना चाहता है। तो पौलुस इसलिए कहते हैं कि मैं प्रभु का दास नहीं बन सकता हूं अगर मैं लोगों को पसंद करना चाहूं, इसलिए कि 1:6 में भी लिखा है कि 1:6 में लिखा है कि वो लोग जो गलाती जो कलिशिया में है जो प्रभु के दास लोग ने जो सही सुसमाचार बांटा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहां पर और भी लोग आए थे वहां पर जो प्रभु का दास कह लेते थे लेकिन वो प्रभु का दास नहीं थे। वो लोग आकर एक गलत सुसमाचार वहां बांटा और वहां के लोगों को भरमाने लगा, तो इसलिए लोग दूसरे सुसमाचार की ओर अपने मन फिरने लगा। ये ऐसा है कि जैसा कि मैं कई बार घर में दूध लाता हूं और उस दूध आधा लीटर का दूध होगा, लेकिन उस आधा लीटर की दूध में अगर मैं 1.25 लीटर पानी भी मिक्स करूं तो सिर्फ दूध के जैसा रहेगा, आपको पानी के जैसा दिखाई नहीं देगा। इवन और भी मिला उसमें उस पानी में फिर भी अभी भी पानी जैसा नहीं दिखेगा, वो दूध की तरह दिखेगा। अगर मैं पौलुस के सुसमाचार या प्रभु की दास लोगों के सुसमाचार के साथ और कुछ जोड़ के बताऊं,
जैसे कि धर्मशास्त्र के अनुसार किसको बचना है, खतना होना जरूरी है। अगर पौलुस कहता है कि सिर्फ विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, सिर्फ विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराया गया है, ये काफी है हम बचने के लिए, और इसके छोड़कर और कहता है कि और धर्मशास्त्र का कार्य भी करना है, जैसे कि खतना भी करना है आपको बचना है, तो वो उस तरह है कि आधा लीटर दूध लाया लेकिन उसमें आप पानी डालते जा रहे, पानी डालते जा रहे, पानी डालते जा रहे, तो वो असलियत में वो अभी भी दूध की तरह दिखेगा लेकिन आखिरी में उसकी जो जो स्वाद है खराब निकलेगा। तो पौलुस इसलिए कहता है कि वो तो चेतावनी देता है कि आप लोग जो दूसरी जो सुसमाचार जो उसके ओर फिर गया है वो सुसमाचार नहीं है, जो असली सुसमाचार जो उसको प्रभु की ओर से मिला है वो असली सुसमाचार। और एक वचन, जब कभी हम प्रभु के पास आते हैं जैसा हमारा हालत है वैसे आना चाहिए। जैसे कि ब्रदर सैम ने एक एग्जांपल दिया था कि एक व्यक्ति को एक स्टूडियो में बुलाया था, वो रास्ता पर वो जैसा वो लंबी बाल रखकर रास्ता पे किनारे पे बैठा था और उसको फोटो निकालना चाहता था, लेकिन उस स्टूडियो के व्यक्ति ने कहा कि कल मेरे स्टूडियो में आओ, मैं आपको फोटो निकालना चाहता हूँ। लेकिन उसने उसने वो स्टूडियो में जाते समय अपने सारी जैसा हालत है वैसा बदल कर एक अच्छी रूप लेकर स्टूडियो में गया, और स्टूडियो के व्यक्ति ने कहा कि आप इस स्टूडियो से बाहर निकल जाओ, मैं चाहता हूं कि आप जैसा हो वैसा ही मुझे चाहिए था। उसी तरह जब हम परमेश्वर के पास आते हैं जैसा हमारा हालत है वैसा ही हमारा आना चाहिए। हम गरीब है या कोई रंग नहीं है, इसमें एक वचन में लिखा है कि कोई यहूदी नहीं है, कोई यूनानी नहीं है, कोई जैसा जैसा आपकी हालत है वैसे ही परमेश्वर के पास जाएंगे। परमेश्वर हमें स्वीकार करने के लिए अपना हाथ बढ़ाना चाहता है। और एक दूसरी अध्याय में एक अच्छा वचन लिखा है, दूसरी अध्याय, और वहां पर जो सुसमाचार बांट रहा था पौलुस उनको अगेनिस्ट किया, उनको सुना ही नहीं है उनका वचन, उनको सुना ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये सब पौलुस भी एक यहूदी था और वो यरूशलेम में गमालियल के कॉलेज में वो पढ़ाई किया, लेकिन वो यहूदी होकर भी लेकिन जब परमेश्वर के सुसमाचार उसको मिल गया और गलत सुसमाचार जब उसको पता चला, फर्क पता चल गया और उसको सुनने नहीं सुना था उसको, और हर एक चीज को उसने अगेनिस्ट किया जो गलत सुसमाचार की। तो मुझे इस चीज को ऐसा लगता है कि वो इसलिए क्यों कहा कि जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास आके मन फिराव करना चाहता है या बचना चाहता है, लोग उसको वापस धर्मशास्त्र के नियम में लेके जाना चाहते थे, उस गलातियों का उस जो झूठे लोग। तो पौलुस वही कहता है कि आपको वापस परमेश्वर ने अपनी कृपा और दया के कारण आपको बचाए दिया है, तो वापस आप उस धर्मशास्त्र के नीचे जाने की जरूरत नहीं है, उस खतना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास के द्वारा उद्धार हुआ है। तो सेकंड में अब्राहम का उदाहरण भी देता है कि तीसरे अध्याय में अब्राहम का एक अच्छा उदाहरण देता है। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उस विश्वास के द्वारा वो बेगुना साबित किया। यानी सो तो एक अब्राहम का उदाहरण देके वो साबित करता है कि हमारे खुद के कर्मों से या धर्म शास्त्र के कर्मों से हम बच नहीं सकते हैं, कि सिर्फ विश्वास के द्वारा हम बच सकते हैं, विश्वास के द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिल सकता है। तो ये सारी बात पौलुस इन सारी तीन अध्याय में बताया गया है। और एक वचन मुझे बहुत चुनौती लिया कि वो ये है, और 26:3-26 तीसरी अध्याय 26वां वचन, मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की संतान है। 17वां वचन 27 में लिखा है, जो कोई मसीह के द्वारा बपतिस्मा पाया है वो मसीह को पहन लिया है। आगे लिखा है कि
वहां कोई यूनानी नहीं है या यहूदी नहीं है, कोई गुलामी नहीं है, कोई स्वतंत्र नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, और सब ने सब सब अब्राहम की वारिस का संतान, यानी बाइबल में लिखा है कि अब्राहम एक विश्वास का पिता है, विश्वास का पिता कहलाया जाए विश्वास के द्वारा। तो जब हम मसीह को पर विश्वास करता है तो हम उसकी संतान बन जाते हैं। इसलिए 26 में लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो सब परमेश्वर का संतान बन जाता है। 27, तो इन तीनों अध्याय में हमें एक सीखने को मिलती है कि हमें हमेशा हमारी आंख खुला रखना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। जब हम पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे और पवित्र आत्मा से हमें हमारा दिल भरते जाएंगे तो हम इन सारी चीजों को जानकारी मिलेगा। तो प्रभु हमें बहुत प्रोत्साहन करने वाला परमेश्वर है। और पौलुस की एक बहुत बड़ा डिजायर थी, एक इच्छा था कि वो कहता है कि जो कुछ सुसमाचार मुझे मिली है वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं मिली है, मुझे सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा सुसमाचार मिली है। तो हर एक व्यक्ति का अंदर ये एक एक आशा होना चाहिए कि मुझे जो गॉस्पल मिल रहे है किससे मिल रहे है, गलत लोगों से मिल रहे है, मुझे जो गॉस्पल मिल रहे है किससे मिल रहे है, कोई गलत मसीह का लोगों से मिल रहे है। तो आपको पहले इच्छा ये होना चाहिए मेरे को मसीह के द्वारा ये गॉस्पल मिलना, मैं सुसमाचार मिलना चाहिए, वो सुसमाचार जो आपको बदल सकती है। नहीं तो आपको गलत समाचार आपको बदलने की जैसा एक दिखावा करेगा लेकिन आखिरी अंत में आप और मेरा नुकसान करे। लेकिन सच्ची सुसमाचार जो उस गलाती लोगों को बांटा गया है, उस समाचार वो तो खुद की जीवन को भी बदल दिया। इसलिए दूसरा अध्याय में लेके मैं एक यहूदी था, मैं मसीह लोगों को हिंसा करता था, मैं क्या क्या किया हूँ मसीह लोगों के विरुद्ध, लेकिन दमस्क उस नगर में जाते समय जो प्रभु ने उसको स्पर्श किया, उसकी आंखें स्पर्श किया और वो गिर गया वहां पर, और जो सुसमाचार उसको वहां पर मिली उसके जीवन बदल दिया। तो हमारे अंदर ये इच्छा होना चाहिए कि प्रभु हम लोगों की तरफ देखते हैं सुसमाचार की तरफ, सुसमाचार अच्छा खबर की तरफ, लेकिन जब आप प्रभु यीशु के ऊपर देखेंगे तो वो सुसमाचार जो है आपको जीवन को बहुत अच्छे से बदल सकती है। तो हमारे आशा हमारा हमारी इच्छा कभी निराश नहीं होना चाहिए हम लोग कभी, क्योंकि प्रभु जीवित है और वो हमें हमारे अंदर जो अच्छा काम शुरू किया है वो प्रभु ने, और उसको पूरा करने वाला प्रभु यीशु है। इसमें हमारा बल नहीं है, हमारा शक्ति हमारा सामर्थ्य कुछ भी नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड।